नमस्ते, स्वागत है आपका विज्ञान भरत तंत्र के इस एपिसोड में। तो आज एक और विधि का जो है हम उद्घाटन करेंगे, जिसका सूत्र है सिंपली बाय लुकिंग इनटू द स्काई बियॉन्ड क्लाउड्स द सेरेनिटी। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, लेकिन साथ में बहुत गहराई भी है उस टेक्निक में। टेक्निक कुछ ऐसी है कि जिसमें जो है आपको सिर्फ आसमान को देखना है, और आसमान को देखते देखते जो है उसकी जो एम्प्टीनेस में जो है आपको खो जाना है। आपको लगेगा कि बड़ी आसान विधि है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इस विधि को अगर आप ठीक से कर पाए तो आपका जीवन जो है वो ही नहीं रह जाएगा जैसा था। जिसको हम आकाश बोलते हैं वो दिखता तो है, लेकिन वहाँ सिंपली जो है एक प्योर एम्प्टी स्पेस है। जिसको आप आकाश देखते हैं, जिसको आप नीला देखते हैं, वो नीला जो है रिफ्लेक्शन है समुद्र का, ओशन का। आकाश का कोई रंग नहीं है, आकाश एक प्योर एम्प्टी स्पेस है। इवन जो आप बादल भी देखते हैं वहाँ पे, वो इस एम्प्टी स्पेस में दिखते हैं आपको। तो भगवान शिव के इस छोटे से सूत्र के अंदर जो है जीवन का जो है बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। वो बोलते हैं जब आप आकाश में देखें, उसको ऐसे देखें कि वहाँ पे जो है उसकी जो एम्प्टीनेस है उसके साथ जो है एक हो जाए। उस एम्प्टीनेस के साथ एक होते ही आपको खुद का अनुभव होता है। एक सडनली जो है आप एक एम्प्टी स्पेस में जो है अपनी एंटर कर जाते हैं, अपनी शून्य अवस्था में जो है आपका खुद का प्रवेश हो जाता है। तो विधि बहुत सिंपल है, तो हो सके तो एक आराम चेयर पर बैठ के जो है सिर्फ आकाश को जो है निहारना है। और जब आप आकाश को देख रहे हैं तो आकाश के किसी वस्तु को नहीं देखना, सिंपली जो है उसकी जो एम्प्टी स्पेस है। जब आप आकाश को देख रहे हैं तो आप बादल को देख सकते हैं, उसके नीले रंग को देख सकते हैं, किसी वस्तु को वहाँ पे जो है देख सकते हैं। लेकिन जब देखना है, विधि का जो सूत्र है वो यही है कि उसकी एम्प्टीनेस को देखना है, उसकी शून्यता को देखना है। कि जब आप देख रहे हैं कि देखते 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 आप जो है उस शून्य अवस्था के साथ जो है एक हो जाते हैं। कि जैसे ही आपने जो है उस शून्य अवस्था को देखा, जैसे ही वहाँ आपने एक एम्प्टी स्पेस को देखा, सडनली आपके भीतर भी कुछ जो है एम्प्टी जो है आपको महसूस हुआ। और जैसे ही आपको वो एम्प्टी महसूस होता है, एक आपके अंदर एक वास्टनेस, एक विस्तार का जो है अनुभव जो है आपको होता है, जो कि आपको जो है अनुभव देता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप शरीर से जो है बहुत ज़्यादा है। आकाश जो है अनंत है, उसका जो स्वभाव है वो इन्फिनिट है। तो जब आप उस आकाश को देख रहे हैं तो उसकी जो अनंतता है, उसकी जो इन्फिनिटी है, वो इन्फिनिटी जो है आपको भी महसूस होती है। जितनी गहराई में उस आकाश को जो है आप देख पाते हैं, उतनी ही गहराई जो है आप अपने भीतर डिस्कवर करते हैं। तो याद रखिए, जब आप देख रहे हैं तो किसी वस्तु को मत देखिएगा, बादल को मत देखिए, उसके रंग को मत देखिए, वहाँ चिड़िया उड़ रही है उसको नहीं देखना, कुछ नहीं। वहाँ सिंपली एक जो एक एम्प्टी स्पेस है, उसका जो इन्फिनिट आकाश है, उसका जो अनंत आकाश है, उसकी तरफ जो है आपको जो है अपना ध्यान केंद्रित करना है। और भगवान शिव बोलते हैं द सेरेनिटी, कि उस क्षण जो है आपको शांति का अनुभव होता है, आप बिल्कुल जो है अपने अंदर रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे मन की एक आदत और है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसको डेफिनेशन देना चाहते हैं। फूल को देख रहे हैं तो फूल का जो है हमारे अंदर डेफिनेशन बन जाता है कि जैसे ये लाल फूल है, ये गुलाब है। मन का काम ये है कि वो डिफाइन कर दे फटाफट चीज़ों को। तो जब आप इस आकाश को देख रहे हैं, थोड़ा इस मन से बचिएगा। मन कह सकता है अरे वाह कितना सुंदर आकाश, कितना सुंदर नीलापन। मन की आदत है उसको डिफाइन करने का, मन की आदत है उसको हर चीज़ को जो है डेफिनेशन देने, उसको एक कंटेनर में जो है बंद कर देना। लेकिन जब आप इस मन को मौका नहीं देते तो मन जो है गिर जाता है एकदम से, जो है अचानक से जो है जो मन का जो यंत्र है वो काम करना बंद कर देता है। और विधि जो है तभी संपूर्ण हो पाती है जब आपका मन जो है बीच में नहीं आ रहा। तो जैसे ही उस अनंत आकाश के साथ आपका जो है ये संवाद शुरू होता है, ये कनेक्शन जैसे ही आपका बनता है, तो उसको सिर्फ देखना है। देखने भर में जो है आपको भीतर जो है मुक्ति का अनुभव जो है होता है। तो उस आकाश की जो शून्यता है, वो शून्यता जो है आपके भीतर जो है प्रवेश कर जाती है। आपकी आंखें जो हैं वो एक शीशे की तरह हैं, वो मिरर की तरह हैं। तो जब आप उस आकाश को देख रहे हैं
तो आकाश का जो सूनापन है, आकाश की जो शून्यता है, वो आपके भीतर प्रवेश कर जाती है और आप भी शून्य अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो सत्संग है, कि जिन लोगों के सत्संग में जो आप आते हैं, वो बहुत सोच समझ के आना चाहिए। कि अगर आप किसी दुखी व्यक्ति के सत्संग में आ जाते हैं, किसी दुखी व्यक्ति से मिल लेते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप भी दुखी हो गए। और किसी सुखी व्यक्ति के जो है, जब आप संपर्क में आते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके भीतर भी जो सुख की तरंगे हैं, वो जो है जिंदा हो जाती हैं। तो जो भी आप देखते हैं, वो उसका जो है बहुत गहरा जो है आपके भीतर जो है प्रवेश हो जाता है। तो जब आप उस शून्यता को देख रहे हैं, तो शून्यता जो है आपके भीतर जो है प्रवेश कर जाती है। इच्छाओं की धरा पर शून्यता की एक उड़ान है। हर इच्छा संग चिंता आती, मानो बादलों की तूफान है। एक सुंदर नार ने आँखों में जगाई हलचल, एक सुंदर घर ने मन में जगाई उमंगों की चंचल। एक चमकती कार का दर्शन ले आया वासना का संचार। हर इच्छा के साथ मन को मिला चिंता का भारी भार। कैसे प्राप्त करूं, क्या उपाय हो, मन ने सोचा, आशा निराशा में भटका, सपनों का खोजा। इच्छा वह बीज है जिससे पागलपन का जन्म, पर शून्यता वह वस्तु नहीं, केवल अनंत का आलम। शून्यता को जब तुम देखो, नहीं जागती कोई इच्छा, इसे पाने की ना कोई आशा ना कोई सपना। शून्यता के आगे मन की सभी चालें रुक जाती, इच्छाओं का नहीं कोई नवजन्म, शांति स्वतः ही आती। शून्यता में जब तुम डूबो, तो शांति का उदय होता, सहसा तुम में शांति का विस्फोट होता। बन जाओ जब तुम आकाश समान, स्थिर शांत स्वच्छ और महान। इच्छा के बिना जीवन बन जाता सुंदर, शून्यता में जीवन जैसे ही सागर का किनारा। ये जीवन और अस्तित्व की एक नई दृष्टि, एक अनोखी खोज है, जहाँ बौद्धिक नहीं प्रत्यक्ष अनुभूति। शून्यता में हर धड़कन के साथ होता जीवन का गान, मन के आकाश में शांति का अद्भुत विस्तार। तो जब ये आकाश की शून्यता जब आपके भीतर आती है, तो आप इतने शांत हो जाते हैं कि आपके भीतर जो है कोई इच्छा नहीं बचती, आप बिल्कुल इच्छा शून्य हो जाते हैं। इच्छा आपके अंदर जो है एक तरह की डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, आपको जो है तिलमिला देती है। उदाहरण के तौर पे आपने एक सुंदर व्यक्ति को देखा, पुरुष या स्त्री, भीतर से एकदम से जो है एक डिजायर क्रिएट हुआ कि ये मुझे मिल जाए। कि एक सुंदर सी कार जो है आपके सामने से गुजर गई और आपके अंदर भीतर एक इच्छा उठ गई कि मुझे भी ये गाड़ी चाहिए। अब मन की जो झील है वो शांत नहीं रही, अब मन जो है अंदर से उपाय ढूंढने लग गया कि अब इसको कैसे पाया जाए, अब इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो मन की जो है दौड़ शुरू हुई, और उस दौड़ में जो है आपको अशांति के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इस विधि के जरिए जो है आप अपनी इच्छा शून्य की स्थिति में पहुंच सकते हैं, और उस इच्छा शून्य की स्थिति में द सेरेनिटी, जिसको भगवान शिव बोलते हैं द सेरेनिटी, एक शांति का आपके भीतर जन्म हो जाता है, और उस शांति में रहना जो है आपका स्वभाव है। तो इस सरल सी ध्यान विधि का जरूर प्रयोग कीजिएगा और आपके भीतर बैठे शिव को जो है जरूर जगाइएगा। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रणाम।